वेलकम बैक फ्रेंड तो आज हम देखने वाले हैं यूज ऑफ रिकमेंडेड डाइट्री अलोवंस इन अ प्लानिंग बैलेंस डाइट ओके तो ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का चैप्टर का नाम क्या है हमारे प्लानिंग बैलेंस डाइट ओके okay? तो इसमें से ये चैप्टर ये जो टॉपिक है हमारा रिकमेंडेड डाइटरी डाइट बैलेंस डाइट ये हम देखने वाले और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था वट इज बैलेंसड डाइट बैलेंस डाइट क्या है उसके बाद में हमने उसमें देखा था कि भाई बैलेंस डाइट बनाने के लिए हमें फूड चॉइस ऑफ़ फ़ूड जो है हमें फ़ूड कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए कितने अमाउंट में सेलेक्ट करना चाहिए उसके बाद में वो जो हम फूड सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे जो फूड से वो क्या करना चाहिए हमारे जो बॉडी की न्यूट्रंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी चाहिए एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट तो भी वो जो हमारी मील है वो क्या होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए ओके okay? और बैलेंस होने के लिए वन डिश के अंदर हमेशा आ, है कि नहीं सो so, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा उसमें बस तीन डिश मतलब एनर्जी गिविंग यस एनर्जी गिविंग प्रोटेक्टिव एंड बॉडी बिल्डिंग ऐसे तीनों भी फूड ग्रुप्स हमेशा ऐसे चुन चुन के नहीं लेने ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि भाई लेकिन कुछ फूड्स ऐसे या हम एक ही डिश में ये सारे के सारे ऐड कर सकते हैं ओके सो so, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो हमेशा जो भी एक डी हमारी मील होगी उसमें तीन फूड मटेरियल होंगे तीनों में से तीनों के अंदर ये ये होगा ऐसे ज़रूर नहीं है ओके तो ये भी यहाँ पर हमें याद रखना है कि ऐसा नहीं कि बैलेंस डायट अभी हमने समझ लिया तो हम बस वही करने लग गए कि भाई इसमें से ये लो हाँ रोटी ले ली ये ले लिया ये लिया हो गया हमारा बैलेंस डाइट ऐसा नहीं है अमाउंट भी मैटर करता है कि आपके लिए अमाउंट कितना है कितना नहीं है तो वही यहाँ पर रिकमेंडेड डायटरी अलोमन से कि आपके लिए कितना डायटरी रिकमेंडेशन है आपका अमाउंट कितना हमें लगने वाला है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओके सो रिकमेंडेड डायट्री अलोवंस ओके एवरेज डेली डायट्री न्यूट्रिएंट, ओके इंटेक लेवल सफिशियंट टू मीट अ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और नियरली ऑल द हेल्दी इंडिविजुअल इन द पर्टिकुलर लाइफ स्टेज एंड जेंडर ग्रुप सो एवरेज डेली डायट्री न्यूट्रिएंट इंटेक जो है हमारा सफिशियंट टू मीट अ न्यूट्रियट रिक्वायरमेंट जो भी हम अभी खा रहे हैं वो जो हमारा डेली डायट्री न्यूट्रिएंट uh, इनटेक जो हम डेली अभी खाना खा रहे हैं उसमें से हमें जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं क्या वो मीट कर रहे हैं हमारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को नियरली ऑल द हेल्दी इंडिविजुअल इन द पर्टिकुलर लाइफ स्टेज ऑफ द जेंडर ग्रुप्स सफिशिएंट टू मीट ऐसा होना चाहिए कि वो मीट करना चाहिए नियरली ऑल द हेल्दी इंडिविजुअल अगर आपको हेल्दी रहना है तो ओके okay. उसके बाद में भाई रिकमेंड रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर Nutrient इज अ मिनिमम अमाउंट दैट नीड टू बी कंज्यूम टू प्रिवेंट द सिम्टम्स ऑफ deficiency एंड टू मेंटेन अ satisfactory लेवल ऑफ द nutrient इन द बॉडी सो रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर nutrient इज what इज minimum इज अ मिनिमम अमाउंट ओके फॉर example, विटामिन इज ए मिनिमम अमाउंट हमारे बॉडी के लिए विटामिन बहुत ही कम लगते हैं लेकिन अगर आप एक्सेस में ले लोगे तो क्या होगा उसमें से क्या है डेफिशिएंसी का मतलब ये नहीं होता हर बार कि वहां पर कम कम हो रहा है नहीं अगर आपके बॉडी में ज्यादा भी हो गया तो भी प्रॉब्लम है विटामिन का और कम भी हो गया तो भी प्रॉब्लम है बैलेंस में होना चाहिए हर एक चीज ओके हाउ डू वी कन्वर्ट अ रिक्वायरमेंट फिगर इंटू अ रिकमेंडेड डायट्री अलोमेंस हमारे जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के रि रिक्वायरमेंट उसको हमने कन्वर्ट करना है रिकमेंडेड डायट्री अलोमेंस में आर डी ए में तो आर डी ए बेसिकली रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी मार्जिन तो आर डी ए क्या है हमारी बॉडी की न्यूट्रंट रिक्वायरमेंट क्या है उसके साथ सेफ्टी मार्जिन की फूड जो है पर्टिकुलर जैसे न्यूट्रिएंट यहाँ पर बताया कि वो न्यूट्री न्यूट्रंट जैसे विटामिन है मिनरल है वो एक क्या एक लिमिट में लेना है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं ताकि हमारी न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाइड करे विटामिन को लेकर मिनरल्स को लेकर ओके अब यहाँ पर जो बताया बेसिकली आर डी आर डी ए का मतलब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक आर डी ए मतलब क्या हमारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी मार्जिन मत लिमिट ओके okay. उसके बाद में यहाँ पर देखिए वेरिएशन इन अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सो अब इंडिजुअल टू इंडिविजुअल जो है रिक्वायरमेंट उसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो वो होगी एक छोटे सा एक छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होगी एक बड़ा बड़ा जो है उसकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली अलग होगी पीरियड ऑफ लो इनटेक ओके पीरियड ऑफ लो इनटेक उसके बाद में नेचर ऑफ डाइट एंड कुकिंग लॉसेस पीरियड ऑफ लो इनटेक कोई कम खाता है वॉट एवर दैट वो हम देखेंगे अभी आगे ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ओके okay? तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखना वेरिएशन न्यूट्रंट रिक्वायरमेंट सिफ्टी मार्जिन पीरियड ऑफ लो इनटेक एंड नेचर ऑफ डाइट एंड कुकिंग लॉसेस तो ये क्या है अभी आगे देखते हैं ओके okay? तो अब नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर विटामिन सी वॉज ट्वेंटी वॉट माइक्रोग्राम पर यस पर डे डी एंड विटामिन सी डेफिशियसी और स्क्यूरिटी प्रिवेंट द सेटिसफैक्ट्री लेवल ऑफ द विटामिन इक्वल देन इन ऑल द पर्सन हैज स्टडी वेयर एबल टू सेटिसफैक्ट्री मेंटेन द मेंटेन द विटामिन सी लेवल तो विटामिन जो है हमारे बॉडी में कितना ट्वेंटी माइक्रो माइक्रोग्राम पर पर डे इतना ही चाहिए ओके और सिक्योरिटी प्रिवेंट अटिसफैक्ट्री लेवल ऑफ द विटामिन इक्वल प्रिवेंट द सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ विटामिन इक्वल देन इन ऑल द पर्सन ओके तो मोस्टली यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोस्टली सारे पर्सन में ट्वेंटी माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन सी हमें लगता है ओके okay, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर एवरेज अगर देखें हम तो ट्वेंटी माइक्रोग्राम पर डे विटामिन सी इज अ डिस्ट्रॉइंग कुकिंग ऑन एवरेज फिफ्टी परसेंट कुकिंग लॉसेस अब यहां पर कहा गया है कि कुकिंग में फिफ्टी परसेंट विटामिन जो है वह लॉस हो जाता है सही तरीके से कुकिंग नहीं की तो डाइट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन आर डी ए फिक्स फॉर अ सर्टन स्पेसिफिक न्यूट्रेंट नैचुरल डाइट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन आर डी ए फिक्स फॉर अटन स्पेसिफिक न्यूट्रेंट नेचुरल डाइट जो है वो यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस करता है आर की जो रिक् रिक्वायरमेंट है ज़्यादा खा खाना खा लेने के बाद या ज़्यादा कोई कम खा रहा है तो वहाँ पर एक नेचुरल डाइट किसी के में भूख ज़्यादा है किसी में कम है इन्फ्लुएंस ऑन आर फिक्स्ड जो किया है उससे ज़्यादा ही ओके इंडियन कंज्यूम अ डाइट विथ सप्लाइंग द वेजिटेबल प्रोटीन इंडिया में जो है कंज्यूम करते हम डाइट जिसमें मोस्टली वेजिटेबल वेजिटेबल प्रोटीन होता है वेजिट Uh, उसके बाद है मोर प्रोटीन नीड टू बी कंज्यूम एंड देयर फॉर ओके मोस्टली अगर देखा जाए तो इंडिया में हम कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल प्रोटीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करते वही से हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिल रहा है तो मोर uh, जैसे सी आ गए उसमें ओके okay, मोर प्रोटीन हमें चाहिए तो उसके लिए नीड टू बी कंज्यूम देयर फॉर इंक्रीज़ द आर तो उनकी आर जो रिक्वायरमेंट है हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई प्रोटीन को लेकर क्योंकि वेजिटेबल प्रोटीन हम ले रहे हैं तो उससे सारे के सारे जो प्रोटीन है या जो अमीनो एसिड वो हमें नहीं मिलते मोस्टली वेजिटेबल प्रोटीन में जो ये होता है या वेजिटेरियन बोलो या प्लांट फूड में जो होता है प्लांट फूड में विटा प्रोटीन कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल फूड एनिमल फूड में ज़्यादा इसेंशियल अमीनो एसिड होती है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रोटीन भी वहाँ पर होता है ओके अवेलेबिलिटी ऑफ इसलिए दोनों अगर लेते हैं तो एक बैलेंस भी क्रिएट वहां पर हो सकता है प्रोटीन को लेकर अवेलेबिलिटी ऑफ आइसलैंड टू बॉडी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फूड कंज्यूम अवेले डेवेलप आइसलैंड टू टू बॉडी प्रिवेंट टाइप ऑफ द फूड कंज्यूम अवेलेट इसलैंड इज वॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द आइस लैंड टू टू द बॉडी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फूड कंज्यूम आइस लैंड जो आइस लैंड है वहां पर भाई आ, क्या बोल रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द आइस लैंड टू बॉडी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फूड कंज्यूम एब्जॉर्ब ऑफ आयरन फ्रॉम टिपिकल इंडियन डाइट इज लो यहाँ पर और एक बात क्या गया है यहाँ पर कि जो आयरन है इंडियन डाइट में वो भी कम है प्रोटीन तो कम है ही आयरन भी कम है एज मोर आयरन नीड टू बी कंज्यूम आर डी ए फिक्स हायर हायर वैल्यू अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो फिर से बढ़ गई आयरन को लेकर भी और प्रोटीन को लेकर ले लेकर भी इन सब का एक्चुअली क्या कहना है वो हम आगे ये सब पढ़ने के बाद हमें एक्चुअली पता लगेगा कि क्या है इसका पूरा का पूरा मतलब ओके okay? अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है यहाँ पर तो आर डी ए सेट Okay. तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या कहना है आप तो आर सेट हाई इनफ टू मीट द नीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द हेल्दी पीपल डू नॉट अप्लाई द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसीज विच इन्फ्लुएंस द न्यूट्रीड आर डी ए जो है रिकमेंडेड डायट्री एलोवेंस तो रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी मार्जिन जो है वो हम हेल्दी पर्सन के लिए यहाँ पर आर डी ए होता है ओके okay? आर डी ए जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम हेल्दी पर्सन को लेकर बोल रहे हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट ना कि जिसको डिसीज है या जो सफरिंग फ्रॉम द डिसीज उनका आर डी ए अलग होगा ओके उनकी डायटरी रिक्वायरमेंट अलग होगी ओके okay. तो आर डी ए जो है वो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम उनके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है ओके आर डी ए रिकमेंडेड डायटरी अलोवेंस फॉर एडल्ट बेस्ड ऑन सेक्स एज बॉडी वेट जैसे मैं बोला एन एक्टिविटी लेवल तो एज पर डिपेंड है एज बॉडी वेट पर भी डिपेंड है और एक्टिविटी लेवल पर भी तो उसकी जो न्यूट्रन रिक्वायरमेंट है वो मेल है या फीमेल है उसकी एज क्या होगी उसका बॉडी वेट क्या है उसके ऊपर भी उसकी रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रन रिक्वायरमेंट बढ़ी है लेकिन यहाँ पर जो पता लगा कि इंडिया में आर जो है वो क्या है हाई है प्रोटीन को लेकर और यहाँ पर आयरन को लेकर क्योंकि तो कम है वेजिटेटिव वेजिटेबल वेजिटेरियन बोलो या फूड प्लांट में जो है या आप बोलो फूड प्लांट फूड में बोलो वेजिटेरियन टेरियन जो हमारे डिशेस है उसमें कम है या इंडियन फूड में कम है ओके इसलिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और जो हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट वो बढ़ानी होती है इसलिए आर जो है हमारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ओके अब नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं यहाँ पर ओके तो आर मतलब आपको इतना ही यहाँ पर समझना है थोड़ा ये बोर होने वाला टॉपिक है क्योंकि ये थोड़ा नया टॉपिक है यहाँ पर ओके कभी दिखा नहीं है हमें किसी में पढ़ाया नहीं है ऐसा टॉपिक है थोड़ा फिर ओके आगे चलकर और आपको और क्लियर होगा जैसे जैसे वीडियो या लेक्चर जो है आगे आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होता चल बस आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया है हमें कि आरडीए मतलब क्या है रिकमेंडेड डायट्री अलमेंस मतलब रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट ऑफ ओके तो इट्स अ डायट्री रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल ओके प्लस सेफ्टी मार्जिन है वहां पर एक लिमिट ओके okay, तो आर डी ए जो है रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो है फूड डाइटरी रिक्वायरमेंट वो सबकी अलग अलग होगी तो डिपेंड किस पे है सेक्स पे एज पे उसके बाद में उसके बॉडी वेट पर और उसके एक्टिविटी लेवल वो काम कितना करना है हेवी करता है मॉडरेट uh, करता है कितना काम करता है उसके ऊपर डिपेंड उसके लिए डेली एक्टिविटी पर भी डिपेंड होता है आर डी एके आर डी आर सेट हाई इनफ टू मीट द नीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द हेल्दी ऑब्वियसली आर डी अप्लाई किसके लिए होता है हेल्दी पीपल के लिए आर डी ड्यूने अप्लाई फॉर फौर सफरिंग फ्रॉम डिसीज़ ये भी हो गया हमारा सम ऑफ द मेडिसिन प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग द इलनेस इन्फ्लूंस क्यों हेल्थी इंडिवीजुअल के लिए ही क्यों जो डिसीज पर्सन है या पेशेंट है उसके लिए क्यों नहीं क्योंकि पेशेंट जो है भाई उसके जो ट्रीटमेंट चालू होगी उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होगी ड्यूरिंग द इलनेस एंड न्यूट्रियन नीड जो है अप्लाई फॉर द इंडिजुअल हु आर नॉर्मल नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिसीज़ तो वहां पर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग ही टाइप की होगी कम होगी ज्यादा होगी तो वहाँ पर क्योंकि वो मेडिसिन की रिक्वायर मेडिसिन भी कंज्यूम कर रहा है तो वहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो सकता ओके रिकमेंडेड डायटरी एलमेंट फॉर एडल्ट बेस्ड ऑन वही है सेक्स एज एंड वेट एंड एक्टिविटी इन केस ऑफ द एडल्ट देयर आर ओके क्यों यहाँ पर बताया देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया उन्होंने कि हेल्दी इंडिविजुअल के अप्लाई होता है इनफ टू मीट और दूसरा पॉइंट जो अभी हमने देखा उसमें से इन्होंने ये जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट में कहा है कि भाई क्योंकि मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, की है और वो इन्फ्लुएंस करेंगी न्यूट्रिय नीड को इसलिए नहीं होता है और दूसरा यहाँ पर एज सेक्स और ये जो है कि इस पर डिपेंड है आर डी ए तो वो कैसे डिपेंड है वो यहाँ पर बताया इन केस ऑफ द एडल्ट देर आर अ वेरिएशन आर डी ए पर्टिकुलरली एनर्जी एंड प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन द एज मोस्टली एनर्जी एंड प्रोटीन ऑब्वियसली सबका अलग अलग एक्टिविटी लेवल होगी सबकी अलग अलग वेट होगा तो डिपेंड ऑन वो चेंज होगा ही आर डी एन द बेस ऑफ द रेफरेंस इंडिजुअल फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यस yes, अगर कोई मॉडरेट ऑफिस वर्क वर्क कर रहा है तो उस इंडिविजुअल उस के लिए डायटरी रिक्वायरमेंट अलग होगी और अगर कोई भाई लेबर है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी ना दोनों क्योंकि लेबर हैवी वर्क कर, कर रहा है ऑफिस वर्क क्या कर रहा है ऑफिस जो वर्क है जा रहा है जो ऑफिस में जॉब करता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी क्योंकि उसका एक्टिविटी लेवल भी अलग है इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली इसकी कम रिक्वायरमेंट होगी ऑफिस बॉय की ओके आर डी ऑफ द बेसिस ऑफ रेफरेंस रेफरेंस इंडिविजुअल इन्होंने अभी आर जो है वो किसके ऊपर दिया रेफरेंस इंडिविजुअल और इसी के ऊपर से हमें एडजस्ट करके बोलो या इसके ऊपर थोड़ा मॉडिफाइड करके हमें खुद के लिए बनाना पड़ता है आर डी एके तो रेफरेंस मैन जो है आर डी ए ने एक रेफरेंस मैन बताया बेसिस एक रेफरेंस वुमेन भी है और एक रेफरेंस मैन भी है ओके तो रेफरेंस मैन जो है इंडियन मेन जो देखा है तो इंडियन मेन जिसकी एज अठारह से उन्नीस साल है ओके ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन ईयर ड्यूरिंग द मॉडरेट वर्क वी गिव द सिक्सटी के जी ओके ड्यूरिंग द मॉडरेट वर्क वी इन सिक्सटी के जी और उसका जो वेट है यहाँ पर अच्छे से नहीं या उसका जो वेट यहाँ पर वेट होना चाहिए वेट इन 60 kg ओके सो so, जिसका 18 टू 29 ईयर का है उस 60 kg वेट ये है रेफरेंस मैन आरडी का और रेफरेंस वुमन क्या है जिसके अट, आ, 18 टू 29 ईयर क्या है 29 ईयर ओल्ड है और उसका जो वेट है वो 55 के जी है जी हो गया उनका रेफरेंस और और काम क्या कर रहे हैं मॉडरेट और एक्टिविटी लेवल यहाँ पर हो गई मॉडरेट वर्क दोनों में भी दोनों की एज जो है वो सेम है बस वेट में डिफरेंस है कि वुमन का वेट कम है और मेन का वेट जो वेट है वो ज़्यादा है ओके तो ट्वेंट एटीन टू ट्वेंटी नाइन ईयर एज है और जो सेक्स है वो मेल फीमेल ओके डिपेंड है मेन मेन में है अलग है और यहाँ पर जो वेट है वो सिक्सटी और फिफ्टी फाइव के जी है ओके अब हम देखते हैं भाई आगे अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस देखिए यहाँ पर रेफरेंस ऑफ बॉडी वेट इन इंडियन इंप्लॉयज़ फॉर कंप्यूटिंग आर अब आर निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया है ग्रुप्स दिया है एज और रेफरेंस बॉडी वेट अगर बॉडी वेट देखो एडल्ट मैन है उसका बॉडी उसका एज तो यहाँ पर 18 टू 29 नाइन ईयर है और यहाँ पर 60 के जी वेट है फिर से एडल्ट वूमन है उसका 55 वही हमने देखा 55 वेट है इन्फेंट है मतलब क्या है इन्फेंट मतलब क्या जीरो से यस yes, सिक्स महीने का जो होता है या सिक्स टू ट्वेल्व मंथ का जो होता है वहाँ मतलब एक साल तक हम क्या कहते हैं जो बेबी होता है एक साल तक हम उसे इन्फेंट कहते हैं ओके फाइव पॉइंट फोर या आप यहाँ पे सिक्स के जी या नाइन के जी बोल सकते हैं हम ओके या फाइव पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव भी हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन जो है यहाँ पर बताया कि वन टू थ्री ईयर का वेट अलग है यहाँ पर फोर टू सिक्स का वेट जो है एटीन एटीन किलोग्राम है उसके बाद में सेवन टू नाइन अलग है बॉयज़ जो है वो टेन टू सेवनटीन ईयर्स तक उनका एवरेज अगर देखा जाए तो फिफ्टी के जी का तो वेट देख सकते हैं और गर्ल्स जो है वहाँ पर फोटी फाइव तक या फोर्टी सेवन तक इनका वेट जो है यहाँ पर है ओके okay? तो इनके लिए अलग अलग वेट कैटेगरी यहाँ पर बताया गया है okay? ओके ये उनके सारे रेफरेंस है ये सारे रेफरेंस बॉडी बेटे है उनके ओके इनके बेसिस पर ही इन्होंने आर निकाला है अब देखिए एडजस्टमेंट कैन बी डिलेट इन अ केस ऑफ आर डी ए फॉर इंडिविजुअल हु डेविएट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस देखिए मैंने बोला था कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैन डिलेट इन डिलेट इन केस ऑफ द वॉट आर डी ए फॉर द दो आर वैर डिवेट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस सम साइलेंट फीचर ऑफ रिकमडेड अलोवेंस कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किसी की एज अगर इसमें से कम ज्यादा हुई ज्यादा है तो आपको वहां पर वो एडजस्ट करना पड़ेगा इन्होंने कहा तक एज दिया है 29 तक ही इन्होंने रेफरेंस दिया है इससे ज्यादा नहीं दिया गया है तो बाकी का हम लोगों को निकालने के लिए दीदी आर डी एक्सप्रेस इन किलोग्राम देखो आर डी किस में एक्सप्रेस होता है क्योंकि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट किलोग्राम में किलो ग्राम्स में मिलीग्राम में माइक्रोग्राम मिली में एक्सप्रेस होता है मिलीग्राम माइक्रोग्राम क्यों विटामिनस का अलग है ना आर डी ए फॉर एनर्जी एडल्ट मैन एंड वुमन आर बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल वही मॉडरेट सेडेंटरी ओके लाइट वर्क सेडेंटरी मॉडरेट सेडेंटरी मतलब जिनका काम क्या है बैठ कर काम है वॉट एवर क्या जिनका जो बैठकर काम है ज्यादातर उनको चेयर पर बैठ कर ही काम करना पड़ता है वैसे लोग ओके okay. उसके बाद में आर डी एफ फॉर थाइमिन एंड राइबोफ्लेविन नाइसिन वही मैंने बताया आपको कि यहाँ पर किलोग्राम किसके लिए होगा माइक्रोग्रा ग्राम किसके लिए होगा प्रोटीन के लिए होगा है ना मिलीग्राम किसके लिए होगा माइक्रोग्राम किसके लिए होगा मिनरल्स जो है विटामिन जो है उनके लिए होगा ये सब ओके okay. तो यहाँ पर थ्री देखिए यहाँ पर सबका बताया थाइमिन का राइबोफ्लेविन का और नाइसिन का उसके बाद में सिक्स पॉइंट सिक्स मिलीग्राम पर थाउजेंड किलो कैलोरीज अगर आप बर्न करते हो तो ओके आपको उतनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है तो उसके बाद में थ्री विटामिन प्ले वाइटल रोल इन रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फैट एंड एनर्जी थ्री विटामिन प्ले रोल दिस थाइमिन राइबोफ्लेविन एंड नाइसर ना मतलब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आर डी एफ फॉर प्रोटीन आर बेस ऑन बॉडी वेट प्रोटीन जो है बेस ऑन बॉडी वेट वही जो ऐड में दिखाया गया है कि जितना जितने किलो के आप हो उतने ग्राम आपको प्रोटीन लगेगा वही यहाँ पर है अगर मैं फिफ्टी फाइव के जी का हूँ तो मुझे कितना लगेगा फिफ्टी फाइव ग्राम प्रोटीन वही है जो एड में बताया वो सच सही है एक्चुअली ओके okay? उसके बाद में हम देखते हैं आर डी एफर एनर्जी एंड प्रोटीन आर बेस आर गिवन एज अ एडिशनल इनटेक इन द इन एंड लैक्टेशन ओके तो यहां पर जो बताया गया है देखिए एनर्जी आर डी एफ एनर्जी एंड लैक्टेशन वहां पर एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वहां पर वो वुमन जो है प्रेगनेंट है मतलब बेबी की भी रिक्वायरमेंट जो उसके अंदर है वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है बढ़ गई उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी यहां पर ओके okay, तो लैक्टेटिंग uh, वूमन या जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नॉर्मल जो रेफरेंस वुमन है उससे उसके बाद में प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड ऑफ द फिजिक फिजोलॉजिकल इज न्यूट्रियन नीड इंक्रीज नीड इंक्रीज नीड फॉर ग्रोविंग फीटर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन फैंसी आर डी फॉर एनर्जी प्रोटीन प्रोटीन आयरन थाइमिन ट्राइबोफ्लेविन नाइसिन आर एक्सप्रेस पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ओके नेक्स्ट इन्फैंसी इज ऑल्सो पीरियड ऑफ फिजियोलॉजिकल ट्रेस जस्ट लाइक एनी पीरियड कैरेक्टरिस्टिक बाय रैपिड ग्रोथ आर डी फॉर एनर्जी प्रोटीन ऑफ आयरन थाइमीन राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन ओके नाइस, नाइसिन ओके आर एक्सप्रेस पर के जी ऑफ बॉडी वेट ओके आर एक्सप्रेस इन पर के जो बॉडी वेट ऑल दिस इन्फेंसी इज अल्सो पीरियड ऑफ द फिजोलॉजिकल ट्रेस ओके इन्फेंसी जो है वो भी फिजिकल ट्रेस है जस्ट लाइक अ पीरियड ऑफ जस्ट लाइक एनी पीरियड कैरेक्टरिस्टिक बाय द रैपिड ग्रोथ आर डी ए फॉर विटामिन ए हैव बीन गिवन द टर्म्स ऑफ रेटिनॉल और अल्टरनेटिवली द टर्म्स ऑफ बिटा कैरोटीन गिवन इन टर्म्स ऑफ कैरोटीन हाफ ऑफ द बिटा कैरोटीन कंज्यूम तो बिटा कैरोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे जो फूड है ओके प्लांट फूड उसमें होता है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है उसे इन विटामिन ए में ओके फर्दर ओनली अबाउट ए फिफ्टी परसेंट ऑफ द अमाउंट एबजॉर्ब उसमें से भी जो फिफ्टी परसेंट अमाउंट एब्जॉर्ब कैन भी कन्वर्ट इन टू द रेटिनॉल विटामिन ए में ओके जो टा कैरोटीन हम जितना भी कंज्यूम करते हैं फर्दर ओनली बिटा कैरोटीन जितना भी अगर हम हंड्रेड कैरोटीन कंज्यूम कर रहे हैं हंड्रेड यूनिट उसमें से फिफ्टी यूनिट कन्वर्ट फाइव परसेंट कंज्यूम विटामिन कैरोटीन एक्चुअली कन्वर्ट इन टू द रेटिनॉल और उसमें से भी ट्वेंटी फाइव परसेंट ही कन्वर्ट इंटू द रेटिनॉल उसके बाद में जो है यहाँ पर